किसान बिल को लेकर सियासी दलों में जारी है घमासान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप, तो वहीं कांग्रेस ने इस बिल को मनमर्जी से पास करने की कही बात। एनसीबी के समन के बाद गोवा से मुंबई पहुंची सारा अली खान, 26 सितंबर को एनसीबी सारा से करेगी सवाल जवाब। वहीं रिया और शौविक की एक बार फिर जमानत याचिका हुई खारिज। दिल्ली दंगों से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण समेत कई लोगों का नाम शामिल, इन सभी पर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। इशरत जहां और दूसरे गवाहों के बयान को बनाया आधार। विरोध के बीच कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को संसद से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस पर घमासान अब भी जारी है। पूरे देश में किसानों से लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्षी दल किसानों को इस बिल को लेकर गुमराह कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखें पूरी रिपोर्ट। विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद कृषि संबंधित 3 विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए हैं। विपक्ष इसे किसान विरोधी बताकर प्रचारित कर रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि ये उनके हित में है और इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो वहीं अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस और विपक्ष पर किसानों से जुड़े बिलों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तोमर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग देश भर में किसानों से जुड़े बिलों को लेकर किसानों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति दल को तो कमजोर करती है, देश को भी कमजोर करती है। कांग्रेस के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। कांग्रेस 2 मुही राजनीति कर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व तो एकदम बौना हो गया है। कांग्रेस में अच्छे और विचारशील लोग पूरी तरह आइसोलेट हो गए और देश में झूठ बोलने की राजनीति करके किसानों को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो वही कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि विश्वासघात वाले एक्ट है। हमने यहाँ तक कहा सरकार को, बार बार कहा, संसद में कहा, संसद के बिल आने के पहले भी कहा कि और सब कुछ छोड़ दो, आप कम से कम ये लिख दो कि जो भी कीमत होगी करारनामे से मेरे और अध्यक्ष महोदय के बीच में, न्यूनतम उसकी सीमा, न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम सीमा MSP होगी, इतना तो लिख दो। नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये हमारी जिद की राजनीति है, ये हमारी अहंकार की राजनीति है। हमने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो, ये तो सब संसदीय प्रणाली की चीजें हैं, ये कोई विदेशी चीजें तो नहीं है। 3 महीने और लगेंगे, आपको एक सुझाव समझा, ठीक ठाक एक सुझाव आएगा, उसके ऊपर आप अमल करके उसको न माने तो भी कम से कम आपके पास एक व्यापक रूप से लिखित दस्तावेज आएगा। नहीं, आज अभी इसी वक्त तुरंत पास करना है। सियासत तो जोरों पर है, तो वहीं किसान बिलों का विरोध करने के लिए 25 सितंबर से देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने इसे किसान कर्फ्यू का नाम भी दिया है। पंजाब में 31 किसान संगठन इस लड़ाई में एक साथ आ गए हैं। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी किसान यूनियनों के संगठन बंद व चक्का जाम में शिरकत करेंगे। ड्रग्स केस में एनसीबी के समन भेजने के बाद सारा अली खान, जो कि गोवा में अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रही थी, वो आज मुंबई आ चुकी हैं। दरअसल सारा अली खान को 26 तारीख को एनसीबी के सामने पेश होना है। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल के जुड़ते ही कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम इसमें सामने आने लगे हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान का नाम भी इसमें आया है। एक्ट्रेस सारा अली खान को एनसीबी ने समन भेजा है। गोवा में परिवार के साथ छुट्टी मना रही सारा अली खान मुंबई पहुंच गई हैं। सारा को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना है। सारा अपनी मां और बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। इस दौरान एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी भी कड़ी नजर आई। वहीं सारा अली के साथ दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को भी 26 सितंबर को एनसीबी के समक्ष पेश होना है। वहीं ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को कोर्ट से अभी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। अब 29 सितंबर को ये फैसला होगा कि रिया को बेल मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ पर एक संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया फिट रहेगा तभी तो हिट रहेगा। उन्होंने इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई दिग्गजों से फिटनेस टिप्स पर चर्चा की। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और लोगों से संवाद किया। इस दौरान देश के कई जाने माने हस्तियों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत कर फिटनेस पर सुझाव जाने।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिट इंडिया संवाद के दौरान कहा कि फिटनेस की डोज आधा घंटा योग, ये स्वास्थ्य का मंत्र है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से भी बात की। पीएम ने विराट कोहली से बात करते हुए कहा कि आपका तो नाम भी विराट है और काम भी विराट। इस दौरान कोहली ने कहा कि हम जिस पीढ़ी में खेल के मैदान में उतरे तो वहां खेल की डिमांड बदल गई थी। नमस्कार सर, दुबई में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर, एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद, और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे, हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर, तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। देश में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बीते साल राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। फिट इंडिया के तहत बीते एक साल में देश में कई कार्यक्रमों जैसे द फिट इंडिया फ्रीडम रन, फ्लैग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट का आयोजन किया गया। में हुए दिल्ली दंगों में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद तक भी अब जांच की आंच पहुंच चुकी है। सलमान खुर्शीद के साथ साथ प्रशांत भूषण समेत कई और लोगों के नाम भी दर्ज हुए। इन लोगों पर आरोप है कि सीए और एनआरसी को लेकर इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे। देखें पुलिस। दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के सिलसिले में पुलिस ने चार्जशीट दायर किया है और चार्जशीट से लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। बीते दिनों सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, योगेंद्र यादव और मकपा नेता वृंदा करात शामिल हुए हैं। इन पर आरोप है कि सीए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। खालिद पर सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाकर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। बता दें कि इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद समेत कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन ने साल 2020 के शीर्ष 100 प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है और इस बार की लिस्ट में शाहीन बाग की दादी बिल्किस दादी ने अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, ये वही दादी है जो अब पूरे देश में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो ये चेहरा बनी थी। तो आइए आपको सुनाते हैं बिल्किस दादी ने क्या।
दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ महीनों प्रदर्शन चला। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं दबंग दादियों के नाम से जानी जाने वाली 3 दादियां भी इस प्रदर्शन में बैठी रही। शाहीन बाग की दादियों में से एक 82 वर्षीय बिल्किस दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियत में शुमार हो गयी है, जहाँ उन्हें इस बात की खुशी है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शुभकामनाएं दी। तो दादी, आपका 100 लोगों में जो नाम आया है, अब आप भविष्य में आपका क्या रहेगा, आपका प्लान क्या रहे? अब प्लान तो यही रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा हमें। हाँ। और क्या ना, अब इस वक्त तो हमें इस बीमारी से लड़ना है, ये कोरोना जो हो रहा है इससे लड़ना है। इसके बाद हमें कुछ कहना है, इससे पहले कुछ नहीं कहना। जिस कदर आपकी पहचान बनी प्रदर्शन से, हाँ, आपने 100 दिनों से अधिक आप बैठी रहीं एक ही जगह पर, हाँ, अपनी मांगों को लेकर, हाँ, आपको अब आपको एक इज्जत से नवाजा गया है एक पुरस्कार, हाँ, के लिए। अब भविष्य में क्या आपकी वही मांगे रहेंगी या उनमें कुछ बदलाव होगा? नहीं, बाद में बदलाव होगा, अब पहले तो हमें इसकी ही है, कोरोना की भी, कोरोना की मांग है, इससे निपटेंगे जब कुछ आगे बात करेंगे। लेकिन हार नहीं मानना है? नहीं ना, हार नहीं मानना, बैठना है, कोरोना के ऊपर यूँ करना है, जो हाँ इसे खत्म करना पहले जब कुछ बात करेंगे आगे। बता दें कि टाइम मैगजीन की ताज़ा लिस्ट में उन्हें आइकॉन कैटेगरी में जगह दी गई है। 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जगह दी गई है। इस लिस्ट में अभिनेता आयुष्मान खुराना और गूगल CEO सुंदर पिचाई भी शामिल है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।